भिंड के रौन थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड आर्मी मैन की सड़क हादसे के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के शरीर के 6 अंगों को दान किया गया। मृतक के शरीर के अंगों से अब 6 लोगों को जिंदगी मिल सकेगी। रिटायर्ड फौजी की अंतिम यात्रा में पूर्व विधायक समेत सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्य शामिल हुए। भिंड जिले के रौन कस्बे में रहने वाले विवेकानंद त्यागी पुत्र मुंशी लाल त्यागी उम्र 42 साल 8 फरवरी की शाम को अपने घर से वॉक के लिए निकले थे, तभी सड़क किनारे अज्ञात वाहन ने रिटायर्ड फौजी विवेकानंद को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में विवेकानंद के सर में गंभीर चोट आई हुई थी। परिवार के सदस्यों ने उचित उपचार के लिए ग्वालियर में भर्ती कराया। जब विवेकानंद को ग्वालियर में उपचार के दौरान राहत नहीं मिली तो वे दिल्ली लेकर पहुंचे। दिल्ली के RR अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान विवेकानंद की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने विवेकानंद के शरीर के 6 अंग, दोनों आंखें, लीवर, 2 किडनी और हार्ट को दान कराया। पूर्व सैनिक संघ के एक योद्धा हवलदार विवेकानंद त्यागी जी, जिनका जो शहीद हो गए, मतलब हम जिला भिंड के सभी पूर्व सैनिक इस दुखद घटना में परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उनकी इस दुख घड़ी में हम जहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम सब लोगों से जिस तरीके से उनके साथ अगर कोई भी ऐसी परेशानी या कोई काम होता है तो हम उनके साथ आज नहीं आजीवन खड़े हैं।